लाइफ पेंटिंग हमारी होनी है वो हमें साइड पे चाहिए, ठीक है, साइड पे कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जितना भी हमारा पेंटिंग का सामान है वो नूर देखेगी, तो वो उस साइड पे हमें रखना है। और जो भी कलर लेने आए, कुछ भी लेने आए, वहीं पर अपनी रखनी है। हमें वहाँ पे भी एक दो टेबल्स रखनी है ताकि अगर कोई टेबल के ऊपर रख के पेंट करना चाह रहा है तो वो कर ले, और कोई नीचे। रंगी अमन एक पेंटिंग कंपटीशन है। क्योंकि मुझे आर्ट का बहुत शौक है तो मैं चाहती थी कि मेरी तरह और आर्टिस्ट जो इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं वो आएँ और अमन की एक नई शक्ल खुद भी बनाएं, लोगों को भी दिखाएं, और इससे एक अमन की जो रंगीन शक्ल है वो सामने आए। रंगी अमन की जो थीम्स मैंने टारगेट की उसमें सबसे पहले इंक्लूजन है कि सोसाइटी में कितने इंक्लूसिव है, कितने तरह के लोग रहते हैं, कितने कल्चर हैं। उसके बाद मैंने टारगेट किया डाइवर्सिटी को, क्योंकि कराची में बहुत सारे डाइवर्स लोग रहते हैं और उसमें सिंधी, मुस्लिम, बहुत सारे इंट्रा कल्चर हैं, इंटरफेथ है, बहुत सारे बैनुल मज़ाहिब के लोग रहते हैं, तो उसमें इंटरफेथ की थीम को भी टारगेट किया गया है। डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं उसमें, हिंदू कम्युनिटी भी है उसमें, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है उसमें, मुस्लिम कम्युनिटी भी है, तो एक कॉमन ग्राउंड मुझे लगा कि आर्ट एक कॉमन ग्राउंड है जिस पर मैं सबको बुला सकती हूँ और सब बहुत शौक से आ भी जाएंगे। आर्ट के नाम पर ये सब एक साथ आ गए हैं, इस तरह एक बहुत अच्छा मैसेज प्रमोट होगा। मेरा नाम आबिद है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में पढ़ता हूँ और यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैंने आज से पहले कभी पेंटिंग की नहीं, बस शौक रहा है कि मैं पेंटिंग्स करूँ, और कभी मौका नहीं मिला। आज मौका मिला तो मैं आया और मैंने पेंटिंग की लाइफ में फर्स्ट टाइम, और बहुत मज़ा आया। यहाँ हार जीत के लिए तो आया नहीं था, आया था फन के लिए कि आऊँ यहाँ पे पेंटिंग्स बनाऊँ, दूसरों को बनाते हुए देखूँ। रंगों से ही जहान बनता है हमारा, रंगों से ही बहुत कुछ है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे आया। मैंने कहा ताकि ऐसे कुछ सीखूँ भी का और अपना एक एक्सपीरियंस भी लूँगा पेंटिंग के हवाले से। ये मेरी पेंटिंग का जो थीम थी वो थी यूनिटी के ऊपर, एंटी रेसिज्म के ऊपर। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले के ऊपर कोई बर्तरी हासिल नहीं है, सब बराबर हैं। तो इसी तरह मेरा भी यही मानना है कि हम सब बराबर हैं, तो इसी बेस पे मैंने पेंटिंग बनाई। मेरा नाम हदीका भट्टी है, मैं सोशल वर्क पढ़ रही हूँ। मेरी पेंटिंग की थीम डाइवर्सिटी है, क्योंकि मेरा मानना है कि इस दुनिया में किसी को किसी के ऊपर जजमेंट करने का हक नहीं है। हर इंसान के जो फ्लॉज हैं या यूनिकनेस कह लें उसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो उसकी अपनी ज़ात का हिस्सा है। तो जो मेरी पेंटिंग है उसमें मैंने दुनिया भर में जितने भी जितने तरह के लोग हैं उनका छोटा छोटा एक पार्ट मिलकर एक इंसान बनाया। मैंने जो पेंटिंग बनाई है उसमें मैंने पाकिस्तान का झंडा बनाया है, वाइट पार्ट के अंदर सारी माइनॉरिटीज़ ड्रॉ की हैं, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो बेसिकली उनमें से मैंने निकाली है एक रेनबो, मैंने एट्रीब्यूट्स लिखे हैं हर रेनबो के हर कलर में, जैसे कि पीस, हारमनी। मैंने ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट के बीच में बनाए हैं चंद लोगोस, फॉर एग्जांपल एक तराजू बना हुआ है जिसका मतलब है इक्वालिटी, एक हैंडशेक बना हुआ है जिसका मतलब है फ्रेंडशिप। माई नेम इज़ राबिल फातिमा। जो टॉपिक हमें बताया गया था दैट वॉज रिलेटेड टू इंटरफेथ हारमोनी एंड वी हैव टू डिपिक्ट पीस इन इट। देयर वॉज अ गर्ल इन माई कॉलेज एंड शी वॉज अ क्रिश्चियन एज शी हैव डिफरेंट बिलीव्स देन अस। ऑल ऑफ द गर्ल्स इन माई कॉलेज यूज टू मेक हर फील डिफरेंट फ्रॉम अस। आई वॉन्टेड टू डिपिक्ट दैट, लाइक आई शोड थ्री गर्ल्स इन विच वन इज़ वेयरिंग अ हिजाब, आई एम शोइंग शी इज़ अ मुस्लिम, एंड देन द मिडल वन इज़ अ हिंदू, एंड देन द थर्ड इज़ अ क्रिश्चियन, शी इज़ वेयरिंग दैट क्रॉस नेकलेस। जब हम एक साथ मोहब्बत से, प्यार से, इन सारी चीज़ों को साइड पे रखकर व्हेन वी वॉक टुगेदर, व्हेन वी लिव टुगेदर, तो ज़िंदगी हर एक के लिए आसान है।